अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। इससे पहले हमारी 70 प्लस वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। जो दोस्त वो वीडियो अभी तक नहीं देखे वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो वीडियो भी देख लें। आज हम ये वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, सो हम इस वीडियो को दोबारा बना रहे हैं। सो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, और जो हमारे न्यू व्यूवर हैं वो उनके लिए इसमें कुछ नई चीज़ें हमने दोबारा से ऐड की हैं। ओके, तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं केबल साइज़ और एम्पेयर, हम कितनी कौन सी केबल पर कौन सी वायर पर कितने एम्पेयर लोड डालेंगे, और ब्रेकर साइज़ यानी कौन सा ब्रेकर लगाएंगे, और ग्लैंड साइज़ यानी कौन सी केबल्स पर कौन सा ग्लैंड यूज़ करेंगे। ओके दोस्तों, हमारा मिशन है जितने भी हमारे न्यू आने वाले दोस्त हैं गल्फ़ में या के गल्फ़ आने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी तमाम वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए, और ताकि वो एक अच्छा सा जॉब हासिल करने में कामयाब हो सकें। ठीक है दोस्तों, और मेरा ये ख्वाब है कि मेरे जितने भी दोस्त गल्फ़ में आएँ वो किसी अच्छी कंपनी में जॉब हासिल करें और अच्छी सैलरी पर जॉब करें, क्योंकि इस तरह अपना वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि गल्फ़ में जो आम सैलरी चल रही है वो 900 and 1000 plus 200 चल रही है। ठीक है, तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ थोड़ा मेहनत कीजिए और अपने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी कीजिए, और जो दोस्त गल्फ़ में मौजूद हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि वो भी प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत कीजिए और थोड़ा सा नॉलेज हासिल कीजिए और अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ाने की सोचिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो के। अभी हम साइज़ पहले, ये है हमारा साइज़, ये देख रहे हैं जैसा कि XLPE जो हमारी केबल रहेगी उस इसमें केबल साइज़ रहेगा। उसके बाद आगे वाले खाने में आपको नज़र आ रहा होगा AMP एम्पेयर्स, ठीक है। उसके बाद ब्रेकर साइज़ रहेंगे और उसके बाद ग्लैंड साइज़, ठीक है। आज ग्लैंड टाइप पे हम बात थोड़ी सी करेंगे, ओनली BW टाइप ग्लैंड पे, और ये जो PVC ग्लैंड है इस पे बात होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा ये पेपर पे मैंने लिखा हुआ है सारा डिटेल से, फिर भी मैं आपको एक बार इसको रीड करके बता देता हूँ। ये जो हमारी 1.5 स्क्वायर mm की जो वायर है उस पर हम मैक्सिमम 14 एम्पेयर लोड डालेंगे 25 टेम्परेचर पर, ठीक है, ये मैक्सिमम लोड है। और उसको जो ब्रेकर लगाएंगे हम वो 10 एम्पेयर का लगाएंगे मैक्सिमम, और उसका जो ग्लैंड साइज़ रहेगा वो 20S में रहेगा। ओके दोस्तों, ये जो 20S में ग्लैंड है ये हम यूज़ करते हैं फ्लेक्सिबल के लिए, ठीक है। जो PVC वायर रहेगी उसके लिए ग्लैंड यूज़ नहीं किया जाता। ओके, जैसा कि 1.5 2.5 4 6 10 16 अगर सिंगल कोर वायर है PVC की तो उसके लिए हम ग्लैंड यूज़ नहीं करते। ओके दोस्तों, लेकिन अगर 16 से ऊपर चला गया 25 35 उसके बाद 50 है 70 95 इसके लिए फिर हम ग्लैंड यूज़ कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद ये देखिए 2.5 की जो हमारी वायर रहेगी उस पर हम मैक्सिमम 25 एम्पेयर लोड डालेंगे, और जो ब्रेकर साइज़ रहेगा वो हमारा 20 एम्पेयर रहेगा, और उस पर जो ग्लैंड, ये BW टाइप ग्लैंड है दोस्तों, ये 25S में है और BW टाइप ग्लैंड है, इस पर हम बाद में बात करेंगे थोड़ी सी। ये हमारा PVC का ग्लैंड है, जो हम फ्लेक्सिबल की जो वायर है ना, हमारी फ्लेक्सिबल वायर में ये वाला ग्लैंड यूज़ करते हैं, तो इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे बाद में। और उसके बाद आगे चलते हैं 4 square mm पे जो हमारा मैक्सिमम लोड रहेगा 33 एम्पेयर्स, और जो हम इसको ब्रेकर लगाएंगे वो 32 एम्पेयर का मैक्सिमम, और इसका जो ग्लैंड रहेगा अगर फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल वायर है तो उसमें 20S का ही लगेगा, अगर PVC की वायर है तो उसमें ग्लैंड नहीं लगेगा। और उसके बाद 6 square mm की है 42 एम्पेयर्स, इस पर मैक्सिमम लोड डालेंगे 25 टेम्परेचर पर, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमको लोड थोड़ा कम कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके कुछ फार्मूलाज हैं वो हम आपको अलग से वीडियो बना के इंशाल्लाह जल्दी ही बता देंगे। उसके बाद जो इसका ब्रेकर साइज़ रहेगा वो भी 32 एम्पेयर ही है, और उसके बाद जो इसका ग्लैंड साइज़ रहेगा वो भी 25S ही है। ओके, और उसके बाद शुरू होती है हमारी आर्मर्ड केबल।
यहाँ से, वैसे तो यहाँ से शुरू हो जाती है 6 से ही, लेकिन हम 10 से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो 10 से हम केबल शुरू करेंगे, आर्मर्ड केबल, और उसमें जो हमारा लोड रहेगा मैक्सिमम 58 एम्पेयर, और उसके बाद जो ब्रेकर साइज़ रहेगा वो 50 एम्पेयर का, और उसके बाद जो ग्लैंड हम इसमें यूज़ करेंगे वो 25S में। और उसके बाद दोस्तों आगे हमारी केबल आएगी 16 स्क्वायर mm की, उसमें 77 एम्पेयर और 63 एम्पेयर, इस पे 63 एम्पेयर का इसमें ब्रेकर लगेगा, ओके। और 25L में हम इसमें यूज़ करेंगे ग्लैंड, केबल ग्लैंड, ओके। ये केबल ग्लैंड है, इस पे हम पहले अपनी वीडियो बना चुके हैं प्रैक्टिकली, जिन दोस्तों ने भी वो वीडियो वॉच नहीं की तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, प्लीज़ वो वीडियो भी वॉच कर लें, उससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, यानी फुल प्रैक्टिकल और उसमें काफ़ी काम की बातें बताई गई हैं। वो एक आम यानी फ्रेशर लड़का भी उस वीडियो को देखकर ग्लैंड कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो हमारी 25 स्क्वायर mm में जो केबल रहेगी उस पर मैक्सिमम लोड रहेगा 102 एम्पेयर, ठीक है। और उसके बाद ये 25 टेम्परेचर पर है, यानी आप जो ही टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी गर्मी बढ़ जाए, हीट, यानी कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट रहेगी, तो वहाँ पर हम लोड कम करेंगे। उसके बाद इसको जो ब्रेकर लगाएंगे वो हम लगाएंगे 80 एम्पेयर का, और इसमें जो ग्लैंड लगेगा 25 स्क्वायर mm केबल का, उसमें 32S का ग्लैंड लगेगा, ठीक है। और उसके बाद 35 स्क्वायर mm में जो केबल है उसमें मैक्सिमम लोड रहेगा 125 एम्पेयर, और इसमें जो ब्रेकर हम यूज़ करेंगे वो मैक्सिमम 100 एम्पेयर का रहेगा। और उसके बाद इसका जो ग्लैंड साइज़ रहेगा वो 32L में, ओके दोस्तों। ये ग्लैंड के ऊपर लिखा रहता है, यानी ये जो ग्लैंड है इसके, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पर इसका मॉडल नंबर, यानी BW टाइप ग्लैंड है ये, शायद नहीं नज़र आएगा, बहुत बारीक इसमें लिखा रहता है, BW टाइप 25S, 25S का ये ग्लैंड है, और ये गल्फ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, यानी सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें फीडर पिलर से लेकर, यानी अगर हम सब स्टेशन से शुरू हो जाएं, सब स्टेशन में भी यही ग्लैंड यूज़ किया जाता है, और उसके बाद फीडर पिलर में भी BW टाइप यही ग्लैंड यूज़ किया जाएगा, और उसके बाद अगर बात करें SMDB, फाइनल DB, यानी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और ये बहुत ही इजी है, ठीक है। इस पर हम पहले अपनी प्रैक्टिकल वीडियो बना चुके हैं, प्लीज़ वो भी जो न्यू व्यूवर दोस्त हैं वो वॉच कर लें। और उसके बाद हाँ, तो दोस्तों ये देखिए, उसके बाद हमारी इसी तरह आप देखेंगे 16 स्क्वायर mm, 25 स्क्वायर mm, 35, 50, 70, उनका आगे हमने दे रखा है, यानी 25 पे, सॉरी इधर हम चल रहे थे, 50 स्क्वायर mm पे 150 एम्पेयर मैक्सिमम इस पे लोड डालेंगे, और उसके बाद 125 एम्पेयर का ब्रेकर लगाएंगे, और 40S का ग्लैंड, ओके। तो उसके बाद 70 स्क्वायर mm है, 192 एम्पेयर इस पे मैक्सिमम लोड डालेंगे, और 160 एम्पेयर का ब्रेकर लगाएंगे, और 40L का ग्लैंड, ओके। उसके बाद 95 स्क्वायर mm है केबल, उसमें हम मैक्सिमम लोड डालेंगे 230 एम्पेयर 25 टेम्परेचर पर, और उसके बाद 200 एम्पेयर का ब्रेकर लगाएंगे, और 50S में इसमें केबल ग्लैंड लगेगा, और BW टाइप ग्लैंड यूज़ हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया BW टाइप ग्लैंड ही यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास इसको लिख लीजिए अच्छे तरह से, और इसको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। और हमारी जो वीडियो है जो हमने अभी 3-4 दिन पहले अपलोड की है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पर, अगर आपने वो वॉच नहीं की तो आप प्लीज़ वो भी वॉच कर लीजिए,
और जो हमारे न्यू व्यूवर हैं उनसे गुजारिश है कि वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको, ये जो तमाम डाटा हमने दे रखा है आप लिख सकते हैं। ओके, ये केबल साइज़ का, यानी ये जो केबल साइज़ लिखा हुआ है, ये इस पे एम्पेयर, कितने एम्पेयर का लोड डालेंगे, और उसके बाद है कितने एम्पेयर का ब्रेकर लगेगा। ठीक है, और लास्ट में हमने दे रखा है यानी ग्लैंड साइज़। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे तरह से याद करने की कोशिश कीजिए, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मन में आता है तो आप कमेंट्स करके हमें दोबारा पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स।